विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयम् इदम् ईशान दयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रोहिण हरि रुद्रानुपरतां रजः सत्त्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव। तीन वर्ण के त्रिविलोचन तव नीलांजन से अति शोभित सत्व रजस्तम त्रिगुण युक्त हैं श्वेत श्याम एवं लोहित काल धर्म से गत शरीर त्रय देवों को फिर देह विशेष देकर ईश्वर प्राण वल्लभे रचते ब्रह्मा विष्णु महेश। हे मां पराशक्ति, हे ईशान की दैते, ये तेरे तीनों नेत्र तीन रंग का अंजन लगाने से मानो अलग अलग तीन रंग के चमक रहे हैं और महाप्रलय के अंत में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को जो प्रलय काल में उपरत हो गए थे फिर पैदा करने के लिए रज सत्व और तम तीनों गुणों को धारण किए हुए से प्रतीत होते हैं। रजोगुण रक्तवर्ण है, सत्वगुण शुक्लवर्ण है सफेद और तमोगुण कृष्णवर्ण है काला। तो भगवती के दो नेत्र चंद्र सूर्यात्मक श्वेत और कृष्णवर्ण है और तीसरा नेत्र मस्तक में आग्नेय रक्तवर्ण है। महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी लीन हो जाते हैं परंतु शक्ति ब्रह्म के साथ अव्यक्त रूप में बनी रहती है। प्रलय के अंत में व्यक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को फिर अपने नेत्रों के उन्मीलन से उत्पन्न करती है। ब्रह्मा रजोगुण के, विष्णु सत्वगुण के और रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं। इसीलिए मानो भगवती के तीनों नेत्रों के खुल जाने पर वह उनमें सत्व रज और तम रूपी तीन प्रकार का अंजन यानी काजल आंज लेती हैं। अर्थात भगवती की दृष्टि तीन गोलकों का आश्रय लेने से तीनों के रूप में व्यक्त होती है। यद्यपि दृष्टि की शक्ति एक ही है तो भी तीन प्रकार के गुण रूपी अंजनों के कारण त्रिधा प्रतीत होती है क्योंकि तीनों में सृष्टि स्थिति और संहार करने की तीनों शक्तियां एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। ओ बिलवड कंसॉर्ट ऑफ शिवा, योर थ्री स्प्लेंडेड आईज शाइन विद थ्री डिफरेंट कलर्स व्हेन वेल मिक्स्ड कॉलिरियम इज अप्लाइड टू योर आईज एंड दीज थ्री कलर्स अपीयर लाइक थ्री गुणस Rajas, Sattva, and Tamas. This appears as if you have decided to recreate three gods, Brahma, Vishnu, and Rudra, after annihilation. This 53rd verse of Sundari Lahiri talks about the grandeur of Parashakti. Shankaracharya, using his highest knowledge, gives us a broad idea to enable us to contemplate her. In normal human eyes, there are traces of redness in the white background, and this is the membrane known as sclera. And it turns red because of one's mental status, because of anger. But in her case, her eyes do not turn red because of anger. It is because of compassion. The color of compassion is said to be red. Then we have the white and the black colors, like that of the collyrium applied to the eyes, kajal. And these three colors, white, red and black, represent three gunas, sattva, rajas and tamas respectively, and represent creation, sustenance and destruction. She wants to recreate the annihilated universe due to compassion,
and to take care of the orderly process of creation, sustenance and destruction. So she recreates Brahma, Vishnu and Rudra to recommence their respective jobs. And as she creates them through her eyes, this verse explains the origin of their recreation. आइए अब नौ बार पुनः इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और आज का जाप संपन्न करते हैं। विभक्त त्रैवर्ण व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव विभक्त त्रैवर्ण व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयम् विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरि रुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयमिदं ईशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतम् इति गुणानां त्रयमिव विभक्त त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयमिदं
ते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रोहिण हरि रुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतं इति गुणानां त्रयमिव। तीन वर्ण के त्रिविलोचन तव नीलांजन से अति शोभित सत्व रजस्तम त्रिगुण युक्त है श्वेत श्याम एवं लोहित। काल धर्म से गत शरीर त्रय देवों को फिर देह विशेष देकर ईश्वर प्राण वल्लभे रचते ब्रह्मा विष्णु महेश। विभक्त त्रैवर्ण्यम व्यतिकरित नीलांजन तया विभाति त्वन्नेत्र त्रिदयम् इदमीशान दैते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरि रुद्रानुपरता रजः सत्वं विभ्रतं इति गुणानां त्रयम्।